स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे ऑर्बिट्स के बारे में। चलिए इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये है क्या, इसे आप बस ये समझिए, फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिक फिजिक्स। दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में मत सोचिए, ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स है, यानी इसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से शांति से लगाया जा सकता है। तो और ये हर चीज़ पे असर करता है, छोटे से छोटे मतलब ऑब्जेक्ट पे, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट पे। मतलब धरती कितना छोटा है जुपिटर के कंपेयर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। धरती भी ऑर्बिट पे फॉलो करेगा सन का और जुपिटर भी करेगा, साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और हाँ, अगर बहुत बड़ा आपका साइज, जैसे सूर्य का साइज है, तो छोटे छोटे चीज़ आपके तरफ घूमेंगे, और जैसे सूर्य बहुत बड़ा है तो सूर्य उससे बड़ा चीज़ को ऑर्बिट करेगा, जैसे कि मिल्की वे, यानी हमारी आकाशगंगा का जो सेंटर है, जहाँ पे खूब सारे कई हज़ार तारे एक जगह पे जमे हुए हैं, एक मैसिव ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो वो मिल्की वे का जो सेंटर है, उसके इर्द गिर्द सब चीज़ घूम रहा है। तो मतलब अगर आप कुछ कहें सूरज किसका ऑर्बिट कर रहा है, तो मिल्की वे सेंटर का ऑर्बिट कर रहा है सूरज। तो ये सब समझिए। फिर आप न्यूटन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि न्यूटन के सर पे सेब गिर गया था। तो मैंने इसकी दूसरी कहानी सुनी है, उसमें ये था कि न्यूटन ऐसे लेट मतलब आराम से थे, पेड़ पे टेका हुए थे, और आम का पेड़ था, ये आम बोल रहा हूँ, सेब का पेड़ था, सेब गिरा। तिगड़म ये था कि लोग कहते कि सेब उनके सिर पे गिरा, और जो मैंने दूसरी कहानी सुनी उसमें यह था कि सेब गिरा सामने से और उनको चांद दिख गया। दिन में चांद दिखता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप बाहर जाके देखिए तो आपको कई बार दिख ही जाएगा, एटलीस्ट महीना में 15 दिन, ये 6-7 दिन तो दिखता ही है। तो उनको जब चांद दिखा और सेब ऐसे गिरते हुए दिखा, दोनों एक ही फ्रेम में दिखा, तो उनका दिमाग में खुल गया कि भैया सेब गिर जा रहा है, चांद क्यों नहीं गिर रहा। तो यहाँ से उनका दिमाग खुला, ये गाड़ी उनकी खुली। तो उन्होंने आगे जाके एक न्यूटन्स कैनन करके एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताया है जो आप कर सकते हैं अपने दिमाग में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑर्बिट क्या है। तो ठीक है, जैसे मान लिया आपने बहुत ऊंचाई पे, पहाड़ के ऊंचाई पे आप गए, एकदम खूब ऊंचा पे, अपना एक तोप से फायर किया गोला, जिसका स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने फायर किया, आपने कम स्पीड पे फायर किया, ठीक है, वो यहीं गिर गया, मतलब थोड़ा सा ही दूर जाके गिर गया, मान लीजिए 100 किलोमीटर। आपने और फोर्स लगा के फायर किया, अब वो 1000 किलोमीटर जाके गिरा, लेकिन गिर तो गया। लेकिन अगर आप स्पीड और बढ़ा देते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो गिर ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि वो गिर नहीं रहा, वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है, लेकिन धरती गोल होने के चलते वो धरती ही समझिए उसके नीचे से मुड़ते जा रही है, मतलब गिरने का कोशिश कर रहा है, धरती ही मुड़ जा रही है, इसीलिए आप हमेशा सुनते होंगे कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कहा जाता है कि वो फ्री फॉल में है, मतलब वो गिर ही रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिर ही रहा है धरती की तरफ, लेकिन धरती ही उससे पहले मुड़ जा रही है। तो धरती गोल है, तो इसलिए समझ रहे हैं कि वो कभी कैच नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक ड्रैग बढ़ते जाएगा, जैसे इसलिए उसको बार बार रिबूस्ट किया जाता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक ड्रैग बढ़ते जाता है वो गिर जाता है, मतलब एक टाइम पर उसकी स्पीड घट जाती है, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाते रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था न्यूटन का होल तिगड़म। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द काफ़ी स्पीड से घूम रही है, जुपिटर काफ़ी स्पीड से घूम रहा है, तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं कि बस रेंग रहे हैं, बड़ा है इसलिए हम लोग को लगता नहीं है कि बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब धीमा चीज़ है, कई हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रहा है। हम लोग उसके अंदर हैं, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम अंदर से देखने के चलते हम लोग को पता नहीं चलता। जैसे मतलब आप ट्रेन के अंदर हैं और कोई खिड़की से आप बाहर कुछ नहीं देख सकते, तो आपको ट्रेन का मतलब दूसरा बर्थ तो हिलता मतलब नहीं दिखे ना कि यहाँ दूसरा बर्थ 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम के अंदर हैं, इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप बाहर सैटेलाइट से देखेगा तो तीरी तो सब भाग रहा, सट 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 करके भागे जा रहा है। तो इसीलिए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चीज़ पे अप्लाई होता है, इस पर आपको कुछ सोचना नहीं है। तो ऑर्बिट का बहुत सारा इस्तेमाल है, मैं कोशिश करूँगा इसका एक अच्छा क्वालिटी इमेज ऊपर से डाल दूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊंचाई के मामले में बहुत ऊपर तक जाता है, मतलब धरती सिर्फ 6000 किलोमीटर की चौड़ी है, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस है, और हम लोग जो सबसे ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं, यूज़फुल सैटेलाइट, मतलब जिसको धरती से बाहर नहीं भेज रहे हैं, जो ऑर्बिट के लिए भेज रहे हैं, वो है जियो स्टेशनरी, जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, जो है 30,000 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब अगर आप समुंदर से टेप लेके नापिएगा तो उतना दूर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्यों भेजते हैं, तो जैसे जैसे आपका ऑर्बिट जो है सतह से ऊपर जाते जाएगा, आपका टाइम जो है घूमने में मतलब कम ये ज़्यादा लगने लगेगा। तो जैसे आप बहुत नज़दीक से, जैसे कि ISS है, वो 20 मिनट में धरती का चक्कर काट लेता है, आप दूरी बढ़ा दिया, ठीक है, अब सरकमफेरेंस बड़ा हो गया तो अब टाइम ज़्यादा लेगा। तो आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, मतलब एक ऊंचाई पे आएंगे तो आपका 5 घंटा लगेगा, उससे ऊपर जाइएगा तो 10 घंटा लगेगा, उससे ऊपर जाइएगा 15 घंटा लगेगा। तो GPS जो सैटेलाइट है वो जनरली इसी रेंज पे है, 10 घंटे से 15 घंटे का ऑर्बिट उनका रहता है। तो अगर आप उससे और ऊपर जाइए तो 20 आ रहा, तो आप सोच रहे हो कि 24 घंटे का दिन है तो 24 तक क्यों ना कर दिया जाए।
तो वही है जियो स्टेशनरी, कि उसका सर्कमफेरेंस इतना बड़ा है कि ऑर्बिटल स्पीड पे होने के बावजूद वो 24 घंटा लेता है चक्कर काटने का। अब इसका फ़ायदा ये है कि यानी सैटेलाइट धरती के नज़र से एक जगह पे है और सैटेलाइट के नज़र से धरती एक जगह पे है, तो मतलब सैटेलाइट, जैसे मान ली सैटेलाइट पे मैं खड़ा हूँ, मुझे भारत दिख रहा है नीचे, भारत से मैं दिख रहा हूँ, और हम दोनों को कुछ चेंज नहीं हो रहा, दिन रात सुबह शाम गर्मी ठंडा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यही इसका इस्तेमाल करके आपका ये DTH यानी डायरेक्ट टू होम चलता है, इसीलिए आप DTH को एक जगह एंगल करते हैं ना, वो वहीं एंगल कर रहे हैं। और ये ऑर्बिट सिर्फ इक्वेटर पे किया जाता है, क्योंकि इक्वेटर पे है तो इसलिए आपका सैटेलाइट देखिएगा, मतलब साउथ वाले थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा ही सीधा है, और मतलब जैसे जैसे नॉर्थ में जाते जाइए सैटेलाइट ज़्यादा मुड़ते लगेगा, क्योंकि मतलब वो इक्वेटर की तरफ फोकस कर रहे हैं। बड़ा बीम है इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल पे जाइए तो तब नहीं काम करेगा, क्योंकि तब सैटेलाइट को सीधे सीधे मतलब समझ रहे हैं वो होराइजन पे पहुंच जा रहा है, तो इस कारण से मतलब हमारे डिश एक जगह पे आराम से रिसीव कर सकते हैं। ये सब जियो स्टेशनरी का काम सिर्फ कम्युनिकेशन का होता है, मतलब कुछ और काम भी किए जा सकते हैं, जैसे वेदर सैटेलाइट की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा मेन कम्युनिकेशन नहीं चलता है। ये एक चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए टीवी में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन इंटरनेट तो आपको और हमको पता ही है कि अंडर सी केबल से चलता है, तो इस कारण से सैटेलाइट्स के ऊंचाई के हिसाब से इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। तो जैसे आप ब्रॉडकास्ट स्टेशन बनाए, आप ठीक है वहाँ पे चले गए, फिर आप बोले यार स्पाई करने के लिए तो वही तो सबसे बढ़िया जगह है, मतलब किसी पे नजर निगरानी रखने के लिए उससे बढ़िया तो ऑर्बिट नहीं है। हाँ भी और नहीं भी, हाँ आप देखते रहेंगे 24x7 ठीक है, लेकिन वो इतना दूर है कि रेडियल साइज मतलब कितना बड़ा है वो आपके नज़रिए से, वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप के लेवल का चीज चाहिए ताकि आप स्पाई कर सकें। और हबल टेलीस्कोप खुद ही एक स्पाई टेलीस्कोप का बड़ा भाई बनाया गया है, तभी हबल के बारे में इंजीनियरिंग सबको पता था कि कैसे बनेगा। तो प्रॉब्लम यह कि उतना खर्च करके आप कीजिए, या खूब सारे छोटे छोटे सैटेलाइट जो कि सस्ते में बनेगा, सस्ते में लॉन्च होगा उसके, और आप उसे काफ़ी सारे रख सकते हैं ताकि आपका कवरेज रहे, उसको आप लो अर्थ ऑर्बिट में रख दीजिए। नुकसान ये है कि वो 20-20 मिनट में चक्कर काटता रहेगा, तो मतलब समझिए आपको काम भर का, मतलब जैसे मान लीजिए आप हिमालयन रेंज का बॉर्डर पर फोकस रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत हुआ तो एक सैटेलाइट 10 मिनट का कवरेज देगा कि वो 10 मिनट तक अपना लेंस ऐसे घुमा के फोकस करेगा, लेकिन आप ऐसा रख सकते हैं कि 20-30 ठो सैटेलाइट रख दिए कि आराम से वो मतलब हर टाइम कोई एक सैटेलाइट उसको देखता रहता है, तो आपको 24x7 मिलेगा। लेकिन चूंकि वो इतना नज़दीक है, जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर वर्सेस 30,000 किलोमीटर, उसको एक नॉर्मल लेंस से काम चल सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि स्पाई सैटेलाइट वहाँ पे नहीं है, वो बहुत कम काम आता है, मतलब वो बड़ी बड़ी चीज़ देखने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि समुंदर में बड़ा बड़ा शिप हिल रहा है तो आप उससे गाड़ी उड़ी नहीं देख पाइएगा। हाँ देख सकते हैं, अगर अमेरिका जरूरत से ज़्यादा ही पैसा बर्बाद किया है एक मतलब हबल टेलीस्कोप बना के वापस उसको धरती की तरफ देखने में, तो हाँ हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं किया जाता। और ऐसी ऑर्बिट का टाइप होता है, तो आप ये समझिए कि ऑर्बिट ज़रूरी नहीं है कि धरती के ही इर्द गिर्द घूमे, ऑर्बिट आता है लग्रांज पॉइंट में भी, जिसमें यह होता है कि अगर आप दो बड़े ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जो एक दूसरे का ऑर्बिट कर रहा है, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी जो है, तो पॉइंट बन जाते हैं स्पेस में। ये मैथमेटिक्स का एक रिलेशनशिप होता है, जहां पे आप अगर कुछ रख दिए वो वहां अटक जाएगा, मतलब वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है, अटक जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो एक अगर सूर्य के सामने कुछ रखना चाहते हैं, मतलब जैसे ये यहां पे पृथ्वी है, यहां पे सूर्य है, इधर आप कुछ रख दें, तो L3 एक पॉइंट है, यहां पे अगर आप कोई सैटेलाइट रख दिए वो वहीं फंसा रह जाएगा, वो आगे पीछे जा ही नहीं पाएगा। फिर आप अगर मान लीजिए अपने और धरती के बीच में आप कोई सोलर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, तो L1 पे आप सैटेलाइट भेजिए, आराम से आपका वो वहीं फंसा रहेगा, उसको आपको इधर उधर कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर आप चाहते कि नहीं धरती का छांव में एक चीज़ हमेशा फंसा रहे, कि हम जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए किया जा रहा है, वो लग्रांज पॉइंट 2 पे दे दिया गया है कि वो वहाँ पे आराम से फंसा रहेगा। और L4 और L5 भी है, लेकिन ये दोनों का फायदा ये है कि ये बहुत स्टेबल है, ये सब पॉइंट उतना स्टेबल नहीं है, मतलब समझिए आगे पीछे नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा भी दाएं होगा फिसल जाएगा, तो वो ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा रॉकेट खर्च करना पड़ता है कि भैया तुम वहीं टिके रहो। अगर आप L4 में डाल दिए तो L4 से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब यहाँ तो थोड़ा सा दाएं बाएं फिसलिए तो आराम से निकल जाइएगा, उसमें वैसा नहीं होगा। L4 में और L5 में आप लट के रह सकते हैं, तो वहाँ हम लोग क्यों कुछ नहीं भेजते, सीधा रीज़न बहुत दूर है, मतलब देखने में लग रहा है कि अरे बगले में है, लेकिन बहुत दूर है, कई लाख किलोमीटर में दूर है, तो इसीलिए वहाँ का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पे भेजा जा रहा है, और इससे वो धरती के छांव में रहता है, तो इससे उसके इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रायोजेनिक है वो अच्छे से काम करते हैं।
तो फिर हम बात करते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट जो है, जो हम लोग आज आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तो जैसे मैंने आपको बताया लियो जो होता है यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, इसे हम लोग स्टैंडर्ड इसलिए मान लिए हैं कि रॉकेट का इसी से नापा जाता है कि लियो जो है मतलब स्टार्टिंग में रॉकेट स्टार्ट होते ही नहीं पहुंच गए थे जियो स्टेशन, नहीं वो लो अर्थ ऑर्बिट पे ही थे, तो लो अर्थ ऑर्बिट का हिसाब से हम लोग नापने लगे। मतलब ये समझिए ये वजन हो गया नापने के लिए कि भैया लो अर्थ ऑर्बिट में आप कितना ले सकते हो। इसीलिए आपको सुनने को मिलेगा फाल्कन 9 यानी कि स्पेसएक्स का जो रॉकेट है वो 20 टन ले जा सकता है या फाल्कन हैवी 60 टन ले जा सकता है। तो ये सब जो टन आप सुनिएगा कि 150 टन SLS ले जा सकता है, तो ये सब जो भी आप सुन रहे हैं वो आप हमेशा ये सुन रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट पे कितना ले जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट हमारा मतलब मीटर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लो अर्थ ऑर्बिट पे आप ले गए तो आप जियो स्टेशनरी पे भी ले जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक है मतलब आपका 500 से 1000 किलोमीटर, दूसरा है 30,000 किलोमीटर। तो ऐसा मत समझिए कि अगर आप स्पेसएक्स के पास गए, भैया फाल्कन 9 है ना तुम्हारे पास, हाँ ठीक है फाल्कन 9 में हमारा 20 टन का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजो, वो बोलेगा सर नहीं जाएगा, हमारा रॉकेट उतना भारी वजन उतना दूर नहीं ले जा सकता। इसलिए ये बात पे ध्यान रखिए कि हमेशा कोई भी रॉकेट को लियो के हिसाब से बताया जाता है, और लियो इसलिए किया जाता है कि वो सबसे नज़दीक है। मतलब इससे नीचे अगर आप आया है तो धरती का जो मतलब एटमॉस्फेयर है उसी में आप घिसाई के चलते आप गिर जाइएगा, ज़्यादा देर टिक नहीं पाइएगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि काफ़ी नीचे है, मतलब इससे तो ऊपर सैटेलाइट्स चलते हैं, वो इसलिए रखा गया कि एक रेडिएशन बेल्ट है जो मैग्नेटिक जो धरती की चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चार्ज पार्टिकल यानी जिस पार्टिकल का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो फंस गया है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फंस गया है। अब वो इतना रेडियो एक्टिव है कि अगर इंसान उसमें गया तो गया, मतलब वो समझिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कूद गया वो मर जाएगा। तो और जब भी सैटेलाइट टूटलाइट जाते हैं तो उनको बनाया जाता है कि वो रेडिएशन हैंडल कर सके, जैसे कि बिट फ्लिप होता है, जैसे आपको पता है सर्वर में ECC रैम इस्तेमाल किया जाता है वैसा ही चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, फॉल्ट टॉलरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मतलब तिकड़म इलेक्ट्रिक को लगाना पड़ता है कि भैया वो टिका रहा है। तो आप सोचिए इंसान के बारे में तो सोचना ही नहीं, वो वहां गया तो मर जाएगा। तो ISS को इतना नीचे रखा गया कि वो उस बेल्ट के नीचे है। नीचे रहने का फायदा यह कि इससे आना जाना आसान हो जाता है, जियो स्टेशनरी जाना में तो बहुत ताकत लगता है बहुत एनर्जी लगता है, प्लस वो रेडिएशन बेल्ट से जाता है, तो इसलिए ये यहाँ नीचे है। और आप जब भी किस इस तरह का आपको खूब सारा मैप देखने रहेगा कि एक्टिव सैटेलाइट कितना पे, कोई पतला रिंग देखेंगे वो है जियो स्टेशनरी, ये है मतलब सबसे तिगड़म चीज़। और जियो स्टेशनरी ये समझिए कि उसमें सैटेलाइट घूमता नहीं है, क्योंकि वो आपके जगह पे लटक जाएगा, इसलिए हर देश को एक स्लॉट टाइप मिलता है कि जैसे अमेरिका इंडिया के स्लॉट में नहीं लॉन्च करेगा, इंडिया चाइना के स्लॉट पे लॉन्च नहीं करेगा, हम दोनों बगल बगल हैं लेकिन हम उसके स्लॉट पे नहीं जाएंगे, वो हमारे स्लॉट में नहीं आएगा। और तो आप बोलोगे कि नहीं वो घुस गया, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी एक घुसा और आपका दूसरा सैटेलाइट भिड़ गया उससे तो जो तबाही मचेगी वो पूरा स्पेस को ऊपर पहुंचा देगा, इसलिए कोई भी तिगड़म नहीं किया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इसको डिग्री ऑफ वेस्ट कितना कितना वेस्ट की तरफ है, तो जैसे 98 डिग्री वेस्ट पे आपको USA का सैटेलाइट मिलेगा, 131 डिग्री वेस्ट पे आपको एक सैटेलाइट मिलेगा, फिर जापान का आप सैटेलाइट खोजना चाहते हैं 140 डिग्री ईस्ट में आपको जापान का सैटेलाइट मिलेगा, आप इंडिया का सैटेलाइट खोजना चाहते हैं तो 94 डिग्री ईस्ट पे आपको इंडिया का सैटेलाइट मिलेगा। तो ऐसे ऐसे रेंज है, ऐसा नहीं कि मतलब आप हम मेरा मन हो गया इंडिया का मन हो गया वो जाके अमेरिका के ऊपर सैटेलाइट, नहीं अमेरिका का मन हो गया हमारे ऊपर लगा देगा, नहीं वो कोई एक दूसरे से नहीं कर सकता। हाँ सिर्फ ये वही बोल सकते जिनके पास स्पेस प्रोग्राम है, जिनके पास नहीं है उससे कोई नहीं बोला है, मतलब कोई यूथोपिया से नहीं पूछने वाला है कि भैया तुम्हारे कंट्री के ऊपर रखें कि नहीं, वो मतलब आपके पास होना चाहिए क्लेम। तो और अगर ऑर्बिट आप घूम रहे हैं, मतलब जैसे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है स्पिन कर रही है, मतलब मैं अपने अपने एक्सिस पे जो घूम रही है उसे क्लॉकवाइज समझ लीजिए कि वो घड़ी की तरह ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है अगर आप उसी डायरेक्शन में घूम के निकलते जा रहे हैं, मतलब ऑर्बिट वैसे ही वैसे करके ऊपर आते जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेड। अगर आप उसे लड़ रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट तभी किया जाता है जब आपको ऑर्बिट से नीचे आना है, प्रोग्रेड तब किया जाता है जब ऊपर जाना है। कभी कभी कुछ कुछ रीज़न के लिए हम लोग प्रोग्रेड रेट्रोग्रेड का इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ सैटेलाइट के लिए, लेकिन उसके लिए मतलब ये बहुत बड़ा रॉकेट इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत छोटा पेलोड भेज पाते हैं, क्योंकि आप धरती से लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप धरती से एक रॉकेट प्रोग्रेड में भेज रहे हैं तो धरती जो घूम रही है ना, आप समझिए ऐसे ऐसे रस्सी फेंक रही है आपका रॉकेट को, धरती का गुरुत्वाकर्षण आपको फेंक रहा है, तो आपको बस उसमें थोड़ा स्पीड ऐड करना है। लेकिन आप लड़के उल्टा जाना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए जो उससे लड़ सके। ऐसा नहीं कि हमारे रॉकेट नहीं कर सकते, लेकिन फालतू की बर्बादी होता है इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। और सारे के सारे सैटेलाइट अगर एक डायरेक्शन पे घूमेंगे तो फायदा ये होता है कि अगर कभी भिड़े भी तो एक दूसरे के सीधे नहीं भिड़ते, वो मतलब अरे दाएं से आके मतलब समझ रहे स्पीड कम हो जाती है कोलिशन।
और एक ऑर्बिट है जो ये जियो स्टेशनरी के ऊपर आती है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। मतलब जब भी कोई जियो स्टेशनरी का सैटेलाइट ख़राब हो जाए, चूंकि मैंने आपको बताया कि लिमिटेड जगह है, वहाँ पे आप खूब चीज़ नहीं लगा सकते, तो जैसे कोई मान लीजिए आपने इंडिया ने 20 साल पहले सैटेलाइट डाला था, अब उसका टाइम हो गया रिटायर करने का, तो उसको नीचे नहीं गिराया जाता, उसे ऊपर ठेल दिया जाता है। अब आप बोलोगे थोड़ा अजीब क्यों है भाई, ऊपर क्यों भेज रहे हैं? पहले ये समझिए उसको वहाँ पहुँचाने में बहुत एनर्जी की है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यानी उसको वापस नीचे उतारने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर भेजने पर वो एक ऐसा ऑर्बिट पर चला जाता है जहाँ कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम नीचे लाएँ, तो आपको समझिए पूरा जिस दरमियान वो नीचे आ रहा है उस दरमियान कोई भी सैटेलाइट उस जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिड़ा तो वो एक तो वो जब सैटेलाइट जिससे भिड़ा उसको ले गया, तो जितने छलरे उड़ेंगे मतलब जितना डिबरी बनेगा वो नीचे के सारे सैटेलाइट को मर देगा, और जियो स्टेशन ही ऊपर कुछ काम का चीज़ है नहीं, तो ऊपर भेज देना सब लोग सही मानते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी लगेगा अगर आप जियो स्टेशनरी के सैटेलाइट को नीचे उतारना चाहते हैं, तो एनर्जी जो लगेगा। और प्लस ये समझिए कि 20 साल बाद हो रहा है, तो कोई भी रॉकेट आप बनाएंगे तो आप ऐसा नहीं बनाओगे 20 साल बाद ये सबसे ज़्यादा पावर पैदा करे, आप बनाओगे भैया पावर घटते ही रहेगा, हर चीज़ खराब होता है, हर चीज़ घिसता है, तो थोड़ा सा इंजन को बनाया जाता है कि भाई 20 साल जब हो जाए, जब मतलब सैटेलाइट को रिटायर किया जा रहा है, तो थोड़ा सा इंजन फायर करेंगे आराम से उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल देंगे, तो इस कारण से ग्रेवयार्ड में हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि मतलब नीचे उतारना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो सैटेलाइट है नीचे, नीचे कई हज़ार सैटेलाइट अभी इस्तेमाल में है, तो 6000 सैटेलाइट का ये लगभग हैं इस्तेमाल में, तो कोई ना कोई सैटेलाइट भिड़ेगा, और चूंकि सब के सब नीचे ही हैं इससे, तो मतलब समझ रहे पूरा तबाही मचा देगा। तो ऐसा नहीं कि हर ऑर्बिट हमारा सिर्फ धरती के इर्द गिर्द ही घूमता है, बहुत सारा ऑर्बिट है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑर्बिट। तो ट्रांसफ़र ऑर्बिट का ये मतलब समझिए कि अगर आप यहाँ से मंगल जाना चाहते हैं तो आप सीधा ये कर सकते हैं, बड़का सा रॉकेट लीजिए, छोटा सा पेलोड लीजिए, सीधे फायर करके चले जाइए, लेकिन हम लोग जा नहीं पाएंगे, और इतना बड़ा रॉकेट है नहीं हमारे पास, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं होम इन ट्रांसफ़र मेथड। इसके बारे में आप बस ये समझिए कि धरती का आप, जैसे मैंने आपको बताया रेट्रोग्रेड और प्रीग्रेड में आप धरती का स्पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप धरती के ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं ना आप, अब आप समझिए कि सूर्य ही आपको फेंक रहा है, तो ठीक है हम लोग सूर्य का इस्तेमाल करके मार्स की तरफ फेंका जाएंगे। फ़ायदा, बहुत छोटा रॉकेट बहुत बड़ा पेलोड ले जा सकता है। नुकसान, अंधेर स्लो है, इसीलिए आप हर जगह सुनते होंगे 2 साल लगता है, 18 महीना लगता है, 15 महीना लगता है मंगल जाने में, ये इसीलिए होता है क्योंकि इस मेथड से जाते हैं। फ़ायदा, बड़ा चीज़ भेज पाते हैं, नुकसान, टाइम बहुत लगता है, मतलब इंसान के लिए करना यही पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो न्यूक्लियर पे चल रहा है और कई मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो जब तक वैसा नहीं हो जाता सीधा सीधा नहीं जा सकते, इसीलिए आपको हर टाइम सुनने को मिलता होगा कि मार्स जाने का एक विंडो होता है, मंगल जाने का विंडो होता है, वो विंडो का यही मतलब हो रहा है कि वो अलाइनमेंट परफेक्ट हो तब आप इधर से उधर जाने में आपको कम से कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो विंडो ख़त्म हो गया है तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन आपका मतलब समझिए रॉकेट जो पहले 100 टन ले जा रहा था वो अब बहुत हो के मतलब कहिए 70 टन ले जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा, 10 टन ले जाएगा, तो मतलब कहाँ पे है, तो इसीलिए वो तिकड़म का इंतजार किया जाता है कि परफेक्ट ऑर्बिट पे हो, छोटा से छोटा रॉकेट से ज़्यादा बड़ा चीज़ भेज सके। और एक थोड़े और तिकड़म टाइप ऑर्बिट भी होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कॉमेट ऑर्बिट्स, जो आप देख सकते हैं मतलब जो सूरज के चारों तरफ से घूम के मतलब एकदम पतला और इलिप्टिकल टाइप होता है, इसका इस्तेमाल स्टडीज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर आपको कॉमेट को खुद पढ़ाई करना है तो आप धरती से नहीं कर सकते ना, कॉमेट के पास ही जाना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, तो कॉमेट के पास भेजने के लिए सैटेलाइट का हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर आप काफ़ी, मैंने से एक दोस्त ने पूछा था कि यार इतना कचरा है अंतरिक्ष में, हर दिन सुन रहे कैसलर सिंड्रोम, तो कैसलर सिंड्रोम का ये मतलब है कि इतना ज़्यादा कचरा हो जाएगा कि हम लोग कोई रॉकेट ही नहीं भेज पाएंगे, वो सीधे फूट जाएगा, जैसे ही जाएंगे फूट जाएगा, तो ये हो कैसे रहा है, बम तो नहीं है ना वहाँ, तो ऐसा हो क्यों रहा है? पहले आप ये समझिए कोई भी चीज़ का ऊर्जा मतलब कितना एनर्जी वो देगा, जैसे मान लीजिए मैं एक माचिस की डिब्बी लेता हूँ, इसको गिराता हूँ, ये कितना एनर्जी दिया ज़मीन पर, वो इसका है कि कितना तेज़ी से गिराएगा। अब इसी को कोई फेंक के मारे तो थोड़ा सा नुकसान होगा, अब इसको कोई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पे फायर कर दे तो भाई तो टाइल तोड़ देगा, अब इसको कहिए 5000 किलोमीटर प्रति घंटा पे करे तो घर उड़ा देगा, जबकि इसका वजन जो है सेम रहेगा, हाँ जल जाएगा मतलब जनरली फ्रिक्शन इसको उड़ा देगा, लेकिन अंतरिक्ष में ये होता है कि पहला तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो पेंट का फ्लिक भी टिका रह जाता है, दूसरा अंतरिक्ष में जो भी चीज़ गया है वो 24000 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम रखा है, नहीं तो वो वहाँ रहता नहीं, तो आप समझ लीजिए सबका स्पीड मिनिमम स्पीड लिमिट है 24000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस स्पीड पे अगर एक नट बोल्ट आपको भिड़ा तो समझिए एक तोप का गोला की तरह तबाही मचा के चला जाएगा, मतलब सीधे आर पार चला जाएगा, कितना भी बड़ा आप स्टील रखिए तो ये रखिए। तो जैसे ये एक एग्जांपल दे रहे, एक छोटा सा छर्रा से ये हुआ है कि एक
इंच मोटा एल्यूमिनियम का प्लेट पे फटाक से छेद पे, एकदम छोटा सा छर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी छर रहा है, लेकिन वो स्पीड के चलते कि हल्का से हल्का चीज भी अगर उतना पागल जैसा स्पीड पे चल रहा है, जो कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुछ तो उससे भी तेज चलते हैं, कि उस स्पीड पे जब ये भिड़ता है तो इतना एनर्जी डाल देता है कि उससे बचना मुश्किल है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि मतलब तबाह हो जाएगा, बॉम्ब नहीं है वो, स्पीड ही उतना हाई स्पीड है उसका कि नुकसान कर देगा। इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक किल, मतलब आपको बारूद नहीं चाहिए, आप तो बस इतना स्पीड से फेंको कि उसी से डिस्ट्रॉय कर दो। तो और आप ये समझिए कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये सब लोग बस मना रहे कि अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है कि एक पुराने सैटेलाइट ने, एक चलते फिरते सैटेलाइट में जो चल रहा था उसके ऑर्बिट में आ गया, और चूंकि जो सैटेलाइट आ रहा था वो डिफंक्ट था, मतलब कि उसका काम खत्म हो गया था, रिटायर्ड सैटेलाइट था, और चूंकि वो ऐसा ऑर्बिट पर था कि वो जियो स्टेशनरी नहीं भेजा जा सकता था और ना ही नीचे आने में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन उस दरमियान होता है, मतलब 6,000 चीज़ है, इधर से उधर घूम रहा है, कोई ना कोई चीज़ तो कभी किसी से भिड़ ही सकता है, भले रेयरली होगा, जैसे मैंने आपको बता ही रहा हूँ एक बार हुआ कि वो सीधे भिड़ गया और इतना वो कचरा पैदा किया, दोनों सैटेलाइट स्वाहा हो गया, तो दूसरा सैटेलाइट जो भिड़ा उससे तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि वो पहले से रिटायर्ड था, लेकिन एक चलता फिरता सैटेलाइट को, इरिडियम सैटेलाइट को बेचारे को ऊपर पहुंचा दिया। तो और जब भी वो हुआ, वो इतना छर्रा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े भेज दिया, अब वो छोटा छोटा टुकड़ा भी उसी स्पीड पर चल रहा है कि वो ऑर्बिट जो था जहाँ पे ये धमाका हुआ वो ऑर्बिट पे अब मतलब इस तरह का हालत हो गया है। तो इस तरह का जब भी आप फोटो देखते हो तो लगता है अरे यार रॉकेट को ऐसे भेज कैसे रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ रॉकेट कैसे भेज रहा है। पहले आप ये समझिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस, तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर वॉल्यूम यानी कितना लीटर की जगह है, तो पृथ्वी में जितना लीटर अट सकता है, मतलब आप पृथ्वी को एक टंकी की तरह रखिए कि कितना लीटर अटेगा, उससे कहीं हज़ार गुना ज़्यादा ये स्पेस में जगह है। और ये मैं जियो स्टेशनरी की बात कर रहा था, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप ये समझिए कि धरती का जो डायमीटर है, मतलब कितना चौड़ाई है, वो 6,000 किलोमीटर के आसपास माना जाए, चलिए 7,000 रख लेते हैं, जियो स्टेशनरी 30,000 किलोमीटर पर है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा सरकमफेरेंस जियो स्टेशनरी का है। तो जगह के मामले में बहुत ज़्यादा खाली जगह है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। हाँ, बड़े बड़े चीज़ को तो आप आराम से देख सकते हो, और बड़े चीज़ से हर रॉकेट कंपनी मतलब ट्रैक किया जा रहा है कि कोई मान लीजिए आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो और पता चल रहा है कि नहीं कोई बड़ा ऑब्जेक्ट इधर, ना भैया ना, होशियारी नहीं करना है, जाने दो उसको, जब वो निकल गया तब लॉन्च किया जाएगा। छोटे छोटे चीज़ के बारे में उतना नहीं टेंशन लिया जाता है क्योंकि बहुत खाली जगह है। दूसरा, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस, जैसे हमको पता है ये बहुत नीचे है, तो इसका प्रॉब्लम सब चीज़ इसी पर गिरता है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये अगर ये जियो स्टेशनरी पे रहता तो इस पर कुछ नहीं गिर पाता, लेकिन चूंकि ये इतना नीचे है तो सब चीज़ इस पर गिरते रहता है। तो आप ये एक कंप्यूटर सिमुलेटेड डायग्राम है जो इनका कोलिजन होता रहता है, मतलब नॉर्मल चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ भिड़ता रहता है। तो बोले ये तबाह क्यों नहीं हो गया अगर छोटा छोटा चीज़, जैसे मूवी ग्रेविटी में दिखाए थे, वो छोटा चीज़ बहुत छोटा बता रहा हूँ, मतलब एक सेंटीमीटर से छोटा चीज़ बता रहा हूँ, और बड़े बड़े चीज़ें जैसे कि एक सेकेंड स्टेज है किसी रॉकेट का, या कोई बड़ा चीज़ है थर्ड स्टेज है किसी रॉकेट का, वो सब जब भी आता है तो इस स्टेशन को हटा दिया जाता है उसके रास्ते से। इस स्टेशन के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट का जगह है जिसे कहा जाता है पिज़्ज़ा बॉक्स, बेसिकली मतलब पिज़्ज़ा बॉक्स जैसा दिखता है जगह। तो अगर कुछ भी लगता भी है कि अरे ये ऑर्बिट जिसको हम लोग ट्रैक करें, बड़ा ऑब्जेक्ट आराम से ट्रैक हो जाता है, तो बड़ा ये चीज़ है लग रहा है कि इधर आएगा, सीधे आई एस को हटा दिया जाता है, रिस्क ही नहीं लेना है, वो बहुत 100 किलोमीटर से ज़्यादा का इर्द गिर्द जगह हमेशा मॉनिटर किया जा रहा है कि कुछ भी नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि वो जब घुसता है उसमें तब ना हटाया जाएगा, नहीं नहीं वो उस एरिया में कुछ भी आने का रिस्क है, किसी का भी कंप्यूटर मॉडल में आ रहा है कि नहीं ये 3 दिन बाद इसका ऑर्बिट इसका इंटरसेप्ट करेगा, उसी टाइम उसको हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसे फरारी की तरह सहाँ सहाँ नहीं कर सकता, धीरे धीरे ही हटाया जा सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको नजर रखा जाता है। और ये आप समझिए कि जो कचरा है, जो इतना सारा कचरा हो गया है, पहला तो जगह इस कचरों के बीच में बहुत है, लेकिन कई कई जगह कचरा ये है क्लंप हो गया है, जैसे मान लीजिए आप समुंदर में जब कूदते हैं, समुंदर में अरबों से ज्यादा मछली है, तो समुंदर में आप जितनी बार कूद रहे हैं तो मछली आपसे भिड़ जा रही है क्या, तो वही बात है कि जगह बहुत है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कहीं कहीं जहाँ जहाँ मछुआरे जाते हैं वहाँ तो वो है, तो वैसा जगह स्पेस में भी बन गया कि जैसे ये जगह पे है कि बहुत कचरा है, तो वहाँ से रॉकेट को दूर रखा जाता है, भैया वहाँ मत जाओ, मतलब वो जगह पे रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग बचा रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर कोई इंसानी गलती के चलते या माल मतलब समझिए कोई सही में तबाही मचाना चाहता है, उसके चलते अगर रन अवे इफेक्ट हो गया, यानी कि सब बड़े बड़े चीज़ भिड़ गए, जैसे ISS है या खासकर कि जियो स्टेशनरी, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो भिड़ा
तो हर चीज़ नीचे आएगा, और नीचे मतलब जियो स्टेशनरी पर तो सिर्फ 600-700 सेटेलाइट हैं, लेकिन नीचे मतलब बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा पीस भी है, और मतलब कहिए 3000 सेटेलाइट उसके नीचे हैं। वो सब जगह टूटने फूटने लगा तो मतलब पूरा इंसानियत फंस जाएगा, क्योंकि इतना कचरा हो जाएगा, इतना जगह हो जाएगा कि हम लोग कोई भी रॉकेट को शांति से नहीं भेज पाएंगे। अभी ऐसा है कि हाँ ये जगह कचरा वाला है, इसके बाद आपका ये पूरा आसमानी कचरा हो जाए तब क्या करेंगे? तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ गिरेगा तो वो जल जाएगा, मतलब पृथ्वी का एटमोसफेयर बचा लेगा। लेकिन अगर ये बिना मतलब लेकिन सैटेलाइट को तो तबाही कर देगा, इसीलिए हर कोई इससे डरता है कि केसलर सिंड्रोम, केसलर प्रोफेसर का नाम था जिसने ये आइडिया बताया था कि एक चेन रिएक्शन है, जो कि ग्रेविटी पिक्चर में दिखाया गया था कि एक चाइना ने एक सैटेलाइट को फोड़ा, उसका कचरा 200-300 को फोड़ा, तो 300 से 100 को फोड़ा, 100 से पूरा दुनिया को उड़ा डाला, तो वैसा हो सकता है। तो आपको टेंशन नहीं है कि अगर कभी ऐसा हुआ, लेकिन हाँ पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा, DTH बंद हो जाएगा, तो मतलब भारी नुकसान होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। बात सही है कि थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये टॉपिक भी बड़ा बड़ा था, भारी था, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे रॉकेट मंडे के, और आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।